हेलो दोस्तों, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, आप सबके लिए गुड न्यूज है। 2020 में इंश्योरेंस सेक्टर में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको हम एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि 2020 में कौन कौन से इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको काफ़ी कुछ यहाँ से जानने को मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और एक मोटिवेशनल वीडियो भी रहेगा। दोस्तों, बैंकिंग के साथ साथ आप इंश्योरेंस पर फोकस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगा। दोस्तों, आप सब बैंकिंग करियर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल बैंकिंग करियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट मिला है, मैं चाहता हूँ आप सबको शेयर करो। इंसान को ये छह चीज़ें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। दोस्तों, इसमें से कोई भी आदत आपके पास है तो आप इसको अभी इसको हटा दीजिए, आपको सक्सेस में बाधा आ सकती है। अगर इस चीज़ में से ये जो छह चीज़ें हैं इसमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो आप 100% आप सक्सेस पा लेंगे और आने वाले टाइम में जो भी आपका जो टारगेट है, जो आपका जो लक्ष्य है, उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, आई होप आपको यहाँ से आपको मोटिवेशन मिला होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं, LIC के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है LIC का एग्ज़ाम एवरी ईयर आता है। 2020 में जो LIC असिस्टेंट इंजीनियर होता है, LIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई थी और मीन्स आई है। अभी इसकी एग्ज़ाम होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया। इसमें जो LIC AA जो जर्नलिस्ट का जो पोस्ट आता है वो नहीं आया है। अभी आने वाले टाइम में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसका एग्ज़ाम होगा। अगर आप जो फॉर्म आई थी उसका आपने नोटिफिकेशन आई थी उसका फॉर्म आपने भरा है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए आई थी, उसके बाद लीगल के लिए, राज्य भाषा के लिए आई थी, IT के लिए आई थी, तो इसमें से आप CA के लिए आई थी, इसमें से कोई भी आप फॉर्म भरे हैं तो आप अच्छे से इंश्योरेंस सेक्टर पर फोकस कीजिए और आने वाले टाइम में इसका एग्ज़ाम होगा। आपको डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। इंश्योरेंस और जो करेंट अफेयर का जो सेक्शन है वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 2020 में आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 2020 में नहीं आएगा, 2021 में आपको देखने को मिलेगा। LIC भी SBI क्लर्क जैसा प्लान कर रही है आपको उसकी नोटिफिकेशन लाने के लिए, बट इसकी नोटिफिकेशन आपको 2021 में आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा। अभी LIC की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा, LIC AA जर्नलिस्ट आएगा और दूसरा LIC ADO आएगा। LIC ADO है दोस्तों, एवरी ईयर नोटिफिकेशन आती है। LIC ADO जो होता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसकी नोटिफिकेशन 2019 में आई थी और इसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट थी, मोर देन 8000 पोस्ट थी, 8000 पोस्ट के आसपास में आई थी। तो इसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी नोटिफिकेशन 2020 में आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, यहाँ पर आपको सिलेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। तो LIC की नोटिफिकेशन दो आएगी, LIC AA जर्नलिस्ट आएगी, LIC ADO आएगी। दोस्तों, आप इंश्योरेंस सेक्टर करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसको आप अच्छे से ये कीजिए। आप अफेयर क्लाउड से आप पढ़ सकते हैं, आप वहां से क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस या जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलता है। उसका आप PDF जो है ईयरली आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। आपको कंपाइल मटेरियल होता है, अपने चैनल पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको डिस्काउंट कूपन भी है, आप अप्लाई करें तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप वहां से परचेज करके आप अच्छे से इंश्योरेंस सेक्टर करंट अफेयर पर फोकस कीजिए। LIC में दोस्तों, LIC HFL का भी पोस्ट आता है, एसोसिएट का आता है, असिस्टेंट का आता है और असिस्टेंट मैनेजर का आता है। इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इसमें भी जॉब कर सकते हैं। बस LIC AA और ADO काफी अच्छा पोस्ट है, उस पर आपकी ज्यादा फोकस होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, NIACL जिसको बोलते हैं, इसमें असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दोनों की पोस्ट आती है। 2018 में इसकी लास्ट नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, 2020 में इसकी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 19 में नहीं आई थी, 2020 में आ सकती है, इसकी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो 2020 में इसका आपको नोटिफिकेशन अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है, मीन्स जुलाई अगस्त में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इसको स्टार लगा के दिया है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आने का ज़्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं दोस्तों, NICL का, OICL और UIIC यानी तीनों इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल
ओरिएंटल और यूनाइटेड जो है तीनों पिछले साल आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है। ये तीनों मिलकर के देखा जाए तो 35% मार्केट की जो शेयर है तीनों होल्ड करती है, यानी एक एंटिटी हो गई है। तो इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 2020 में, इसमें काफ़ी चांसेस है कि इसमें असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आ जाए। तो आपका फोकस यहाँ भी होना चाहिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है, और बैंकिंग के कंपेरिजन में यहाँ पर जो वर्क है वो काफ़ी कम होता है देखा जाए तो। अब बात करते हैं दोस्तों IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी भी पोस्ट आती है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती है, तो यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी भी 2020 में नोटिफिकेशन आने वाली है। EPFO का भी फॉर्म आएगा और ESIC का भी आ सकता है फॉर्म दोस्तों। तो इसमें आपको अच्छा खासा आपको चांसेस है, अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे तो जितने सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अभी सही टाइम है दोस्तों, आप अभी से पढ़ लोगे तो आने वाले टाइम में जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास एक अच्छा एक चांस रहेगा सिलेक्शन लेने का। तो बस दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर में जितने सारे एग्जाम होते हैं आने वाली है 2020 में नोटिफिकेशन, उसको मैंने बता दिया एक्सप्लेन करके। आने वाले टाइम में कोई न्यू डेवलपमेंट होता है तो मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर आपको अवेयर करूंगा। आप मेरे चैनल बैंकिंग करियर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़िए आगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन 2020 में जरूर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।